वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेटिक मैथ्स अड्डा। स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हम सीक्वेंसेस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट वीडियो जो हमारा था, उस वीडियो में हमने सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ा था। देखिए, आज का जो वीडियो है वो एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए है, क्योंकि मैं एक ऐसा फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जो बिना बोर्ड के यूज़ किए हुए आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा, हम सीक्वेंसेस के कुछ दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि काफ़ी मैं ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स पहले बना चुका हूँ सीक्वेंसेस के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स का ही यूज़ करके ये दो तीन क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जिनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो CSIR जून 2014 का क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n, और ये पूरा एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की आपको लिमिट निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करें इनको, देखिए। जो लिमिट हमको निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n, अगर इसको हम रेशनलाइज करें, रेशनलाइज करने का मतलब मैं ऊपर और नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। √3 - √1 से मल्टीप्लाई मैंने किया, तो नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1। ऐसे यहाँ आ जाएगा √5 - √3/2, और इसी तरीके से हम हर एक टर्म को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद जो लास्ट टर्म आएगा उसमें भी अपॉन में 2 आ रहा है, ये 3 - 1 2 हो जाएगा, ये 5 - 3 बनेगा, ये भी 2 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हर एक टर्म को उसको रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करने के बाद ये सीक्वेंस का नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो ऊपर हमको किससे, जो लास्ट टर्म है उसमें मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, √2n + 1 - √2n - 1 अपॉन में, यहाँ भी ऑलरेडी 2 आएगा। तो हमने हर एक टर्म के कॉन्जुगेट ने उसको रेशनलाइज किया है, तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n। हर एक टर्म में देखिए, अब 2 आ रहा है अपॉन में, तो अगर 2 अपॉन में आ रहा है तो यहाँ √3 पहला टर्म -√1 + √5 - √3 अगला टर्म, इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा, और लास्ट टर्म आ रहा है √2n - 1 - √2n - 1। इसमें देखिए, अब √3 जो है इस √3 से कैंसिल हो रहा है, √5 जो है अगले √5 से यहाँ कैंसिल हो रहा होगा, तो इस सीरीज़ में सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दो टर्म्स बचेंगे बस। एक बचेगा ये पहले वाले जो ये टर्म आ रहा था, इसका सेकंड टर्म बच रहा है, तो लास्ट वाले टर्म में ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बीच के सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, एक ये टर्म बचा है और एक ये टर्म बचा है। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n/2। तो √2n + 1 - √1 की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n, रूट एन हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, रूट एन अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 + 1/n, और यहाँ 1/√n, और ये हो गया 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूँ सीधे, तो 1/√ हो गया, ये भी 0 हो गया, 2, तो ये आ जाएगा √2/2, तो कैंसिल होकर के √2 बन गया, आंसर आ जाएगा 1/√2। तो देखिए, जो ऑप्शंस हमको दिए थे उन ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन था हमारा 1/√2, तो ये आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है हमको, ये जो सीक्वेंस दिया था इसके हर एक टर्म को हमने रेशनलाइज किया है, और रेशनलाइज करने के बाद एलसीएम सेम आ रहा था, बीच के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे थे, तो एक दो टर्म्स बच रहे थे, उसमें हमने √n कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया और लिमिट लगा दी, तो आंसर आ गया 1/√2। तो ये क्वेश्चन आया था 2014 जून में CSIR नेट में। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2015 के हैं, जो CSIR का
पेपर हुआ था नेट का, उसका 2015 का ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से करना है स्टूडेंट्स. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एन, तो इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो रूट फोर माइनस रूट टू से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी रूट फोर माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट फोर का स्क्वायर फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, फोर माइनस टू, यहाँ भी टू आ गया. इसी तरीके से रूट सिक्स माइनस रूट फोर अपॉन में यहाँ भी टू आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट से करेंगे तो टू एन प्लस टू माइनस टू एन, यहाँ भी अपॉन में कितना आ रहा होगा, टू. आप चाहें तो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं. तो फिर से उसी तरीके से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन रूट एन, एल सी एम यहाँ फिर से सेम आ गया टू, रूट फोर माइनस रूट टू प्लस रूट सिक्स माइनस रूट फोर एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हो गया रूट टू एन प्लस टू माइनस रूट टू एन. इसमें भी क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म इससे कैंसिल हो रहा, रूट सिक्स फिर कैंसिल हो जाएगा बीच में, तो इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी बीच की सारी सीरीज इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी. तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन रूट एन. टर्म्स क्या बच रहा है, एक तो ये बच रहा है रूट टू एन प्लस टू माइनस रूट टू अपॉन में कितना आ रहा है, टू. लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन रूट एन, तो रूट एन कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, ये बचेगा टू प्लस टू अपॉन एन माइनस रूट टू अपॉन रूट एन अपॉन टू, रूट एन से रूट एन कैंसिल आउट हो गया. तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये आ रहा है आपका रूट टू अपॉन टू एन माइनस रूट टू अपॉन रूट एन अपॉन टू. लिमिट अगर अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी इसमें तो रूट टू अपॉन इन्फिनिटी जीरो माइनस, ये भी जीरो बन जाएगा, अपॉन में कितना आ गया टू, तो ये फिर से आ गया रूट टू अपॉन टू, कैंसिल आउट रूट टू, तो आंसर इज वन अपॉन रूट टू. तो ये वन अपॉन रूट टू इसका बी ऑप्शन था. तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे जिसमें हमको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसके बाद हमने जो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद लिमिट अप्लाई करी तो हमको उस सीक्वेंस का सम मिल जा रहा था, यानी कि उसके लिमिट मिल जा रही थी. तो ये 2015 का हमने क्वेश्चन किया है अभी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या है, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन रियल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री फाइव. तो पी एक्स फाइव डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम पी एक्स को ले लेते हैं क्या, ए एक्स टू द पावर फाइव, बी एक्स टू द पावर फोर, सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ. तो ये 2014 जून में क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपको इसके बाद इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन अपॉन टू की पावर एन की वैल्यू निकालनी है. तो अगर मैं बात करूँ पी एन की, तो पी एन यहाँ पर क्या बनेगा, ए एन की पावर फाइव प्लस बी एन की पावर फोर प्लस सी एन क्यूब प्लस डी एन स्क्वायर प्लस ई एन प्लस एफ. नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन अपॉन टू की पावर एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर फाइव बी एन की पावर फोर सी एन की पावर थ्री डी एन स्क्वायर प्लस ई एन प्लस एफ अपॉन में क्या आ रहा है, टू की पावर एन. अब ये स्टेप के बाद आपको अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखना है. अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ, क्योंकि एफ एक रियल नंबर है, और रियल नंबर अगर है तो हम इसमें ऊपर और नीचे लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा. तो आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आती है तो उस केस में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है. तो एल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि अगर कोई भी फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की आ रही है या फिर जीरो पॉइंट जीरो की आ रही है तो उस केस में न्यूमिरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा फाइव ए एन की पावर फोर, फोर बी एन की पावर थ्री, थ्री सी एन स्क्वायर प्लस टू डी एन प्लस ई, और एफ का कॉन्स्टेंट है जीरो, ये हो जाएगा एन टू की पावर एन माइनस वन. अब आप देखिए
अब फिर से अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो ये फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल। अब होगा क्या, अगली बार में इसकी अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पावर 3 बच जाएगी, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ऊपर 3 पावर और नीचे एन माइनस 2 पावर, फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी। तो इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस स्टेप को, या पहले वाले स्टेप को, हम एल हॉस्पिटल को 5 टाइम्स अप्लाई करेंगे। तो 5 टाइम्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर में कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर उसकी डिग्री के बराबर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट बन जाएगा 5 टाइम्स में, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 की पावर n-5, कुछ इस तरीके से एन वाले टर्म्स भी आएंगे इसमें। इस केस में हम देखेंगे कि ऊपर तो कांस्टेंट आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, 2 की पावर अभी भी चल रही है। तो अगर मैं 2 की पावर इन्फिनिटी करूँ तो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, और ऊपर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर मैं इस स्टेप के बाद लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, और कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इट मीन्स इस पी एन अपॉन 2 की पावर n की अगर हम इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। और 0 हमारा जो है वो थर्ड ऑप्शन है इसका, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन मैंने आज CSIR के आपको कराए हैं, काफ़ी डिटेल में ये चैप्टर हम कर चुके हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहें। रियल एनालिसिस का जो भी हम सीक्वेंस हमारा चल रहा है, सीक्वेंस को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जल्दी में शुरू करूँगा, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में एक वायरस, कोरोना वायरस की एक दहशत सी है अभी पूरे वर्ल्ड में, और इस वजह से ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में इंडिया के कर्फ्यू लगा हुआ है। तो जो हमारे वीडियोस मैं बोर्ड में शूट करता था वो वीडियोस बनाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हम इसी तरीके से अभी अपनी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। एक नया एक्सपीरियंस है ये भी, क्योंकि एकेडमिक्स के वीडियोस अभी थोड़ा कम बन पा रहे हैं, तो मेरी कोशिश जल्दी रहेगी कि हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से सीक्वेंस में हम चैप्टर्स करना शुरू करें।